वन परिक्षेत्र की सीमा हो या राजस्व का क्षेत्र, वन माफिया दोनों जगह बेखौफ होकर अवैध कटाई को अंजाम दे रही हैं। लकड़ी माफियों को अवैध कटाई कर परिवहन करने की खुली छूट राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों ने दे रखी है। इसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में हरे भरे फलदार पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं। खिवनी अभयारण्य का जंगल वन संपदा की दृष्टि से काफी समृद्ध और घना माना जाता है। यह जंगल वन्य जीवों का घर भी कहा जाता है। वन्य जीवों के निवासरत होने के कारण यह जंगल अन्य सामान्य जंगल से खास है। सरकार द्वारा खिवनी अभयारण्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है, लेकिन यह जंगल साल के 12 महीने ही लकड़ी माफिया के निशाने पर बना रहता है। दिन प्रतिदिन घना जंगल मैदान में बदलता जा रहा है, जिससे जंगल का अस्तित्व तो खतरे में है ही, साथ ही वन्य जीवों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसे जिम्मेदारी की अनदेखी कहे या साठगांठ, जिसके चलते लकड़ी माफिया अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि इस क्षेत्र में आम आदमी का आवागमन प्रतिबंध है, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अभयारण्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बावजूद कई पेड़ मार्ग के दोनों ओर से काटे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार द्वारा खिवनी को नेशनल पार्क बनाने की मंशा पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। यदि जंगल ही नहीं बचेगा तो वन्य जीव दूसरे जंगल की ओर रुख करेंगे। अभयारण्य क्षेत्र वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन लगातार वनों की कटाई से वन्य प्राणियों का जीवन भी असुरक्षित है। इसका पर सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, और इसके बाद जो है कोई इसमें किसी आदमी की कोई मिली भगत या कोई इस तरह की कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये जो अपने इधर मान ले जाए इधर जो बीची वाला गेट है वहीं पे लकड़ियाँ कट रही, तो ये कहाँ कट रही? 203 में, 208 में। तो ये ऊपर वाले काटने आ रहे हैं कि अपने क्षेत्र के दौलतपुर वाले आते हैं काटने? अच्छा। और पिछली बार अभी जो है एक मोटरसाइकिल भी उनसे जब्त की, 30-40-50 आदमी आते हैं वो झुंड में, तो उनको जो है रोका भी गया है। अच्छा। और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की और पकड़ा भी हुआ है। और बात है सब सर, ये बात समझ में आती है कि दौलतपुर से अपने यहाँ अपने रेंज वो ऑफिस के पास आते हैं तो उधर ये बात क्या है? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ आए के लिए कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? इसलिए अब चूँकि वो तो भाई हमारे यहाँ जो है वहाँ भी आदमी है बैरियरों पे, लेकिन क्या है कभी इधर उधर कहीं से आके और वो बीच में से आ जाए। अच्छा। तो उसके लिए अब इतना बड़ा जंगल है, अभी कैसे मतलब उस चीज को प्रयास पूरा कर रहे हैं हम रोकने का। अच्छा, इसमें कोई अधिनियम आया नहीं? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।